नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास उबुंटु सिस्टम है जो कि एक्चुअली में डेस्कटॉप मोड में नहीं है, मतलब वो डेस्कटॉप जीयूआई नहीं है, वो जो है सो टर्मिनल के तरह दिखता है। जैसे कि जनरली आप सर्वर पे अगर उबुंटु सिस्टम इंस्टॉल कीजिएगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे, तो जो है सो जनरली आपको जो है सो डेस्कटॉप वर्जन नहीं मिलता है। वो आपको जो मिलता है वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल जनरली मिलता है। तो आपको उसको जो है सो क्या कहते हैं, अगर अपग्रेड करना है, मतलब डेस्कटॉप अगर इंस्टॉल करना है उसमें, तो आपको कुछ कमांड रन करना पड़ते हैं टर्मिनल में। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं टर्मिनल पे। ये रहा हमारा टर्मिनल और यहाँ पर हम पहले सुपर यूज़र में जाएँगे। तो उसके लिए su टाइप कीजिए, इंटर मारिए और उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, तो जो आपका पासवर्ड है वो टाइप कर दीजिए, उसके बाद इंटर मारिए और आप सुपर यूज़र में चले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये होम उत्सव दिखा रहा है। उसके बाद आपको एक कमांड रन करना है, एक एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर होता है टास्क सेल। तो अगर आप इंस्टॉल नहीं है वो, तो आप कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आप नेट से देख सकते हैं, लेकिन अगर जनरली सर्वर सब में इंस्टॉल होता है तो आपको सीधे टाइप करना है TASKSELL इंटर, या फिर आपको एक और चीज़ टाइप कर सकते हैं sudo TASKSELL। दोनों कमांड टाइप कीजिएगा तो सेम बात है, उसके बाद इंटर मारिए, उसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिए और उसके बाद अपने आप आ जाएगा ये। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस तरीके का आएगा आपको। और उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे ले जाना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जहाँ जहाँ टिक नहीं लगा, स्टार नहीं है, वो सब इसमें इंस्टॉल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ स्टार है, जैसे कि बेसिक उबुंटु सर्वर और ये सब जो है सो उबुंटु डेस्कटॉप, ये सब इंस्टॉल है। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको उबुंटु डेस्कटॉप ढूंढना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये रहा उबुंटु डेस्कटॉप और आपको उबुंटु डेस्कटॉप ढूंढना है। जनरली ये रहा उबुंटु डेस्कटॉप, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो आपको इसको जो है सो आप में नहीं लगा होगा तो जो आपका स्पेस बार की होता है उसको वहाँ पे ले जाके दबाइएगा तो स्टार आ जाएगा। उसके बाद टैब दबाने के बाद आप ओके पे आएंगे और उसके बाद आप एंटर मार दीजिएगा तो इंस्टॉल होने लगेगा। मेरे में चूँकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अगर आप कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं, और एक और कमांड था sudo TASKSELL यहाँ पे टाइप किए हैं, लेकिन आप चाहें तो टास्क सेल टाइप करके भी कर सकते हैं। तो सीधे टास्क सेल टाइप कीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक काम कर ही करेगा ही करेगा, मेरे में दोनों काम कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद आपको जैसा कि मैंने बताया उबुंटु स्टूडियो में जाना है, और सॉरी उबुंटु स्टूडियो कहाँ गया, उबुंटु डेस्कटॉप में कहाँ गया यार, ये रहा उबुंटु डेस्कटॉप। और अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो स्पेस बार की से स्टार लगाना है और उसके बाद इसको टैब से यहाँ ले जाना है ओके पे, उसके बाद एंटर मारना है। एक और बात याद रखिए, अगर आपको उबुंटु डेस्कटॉप पसंद नहीं है तो उबुंटु माटे डेस्कटॉप भी यहाँ से स्टार लगा के डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है फिलहाल। और भी बहुत सारा चीज़ है उबुंटु डेस्कटॉप, मैंने उबुंटु मिनिमल इंस्टॉलेशन जो है उबुंटु डेस्कटॉप का कर रखा है पहले से ही, और भी मैंने बेसिक सर्वर करा, ओपन SSH सर्वर कर रखा है, उबुंटु डेस्कटॉप कर रखा है, उबुंटु मिनिमल डेस्कटॉप कर चुका है, पब्लिशिंग एप्लीकेशन कर इस सब स्टूडियो और उबुंटु स्टूडियो डेस्कटॉप ये सब मैंने कर रखा है ऑलरेडी। तो आपको कोई भी आप डेस्कटॉप चूज कर सकते, जैसे उबुंटु मार्टिन डेस्कटॉप पे मैं अभी स्पेस लगा के स्पेस बार से स्टार लगा के अगर मैं ओके करूँगा तो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, लेकिन मुझे इंस्टॉल करना नहीं है तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं करूँगा। और की बोलो तो जो नहीं है सीधा, उसके बाद करना ये है कि जैसे कहाँ गया उबुंटु डेस्कटॉप, हाँ स्टूडियो डेस्कटॉप उबुंटु डेस्कटॉप, हाँ तो उसके बाद यहाँ पे स्टार लगा हुआ ऑलरेडी, मैं हटा के फिर से लगाया था, उसके टैब दबा के ओके दबाइएगा, मेरे में कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से आप जो है सो GUI इंस्टॉल कर सकते हैं, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।